जैसा कि पता चल रहा है कि यहाँ पर एक विद्यालय बनने वाला है, ये आप लोग का जमीन है क्या? देखिए, हम लोगों के पूर्वजों द्वारा 1949 ईस्वी में बकास्त खाता में खरीदा गया जमीन है। इसमें से बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने हस्तांतरित भी किए हैं, बेच भी दिए हैं। इसका केवाला भी है, बंडा पर्चा भी है, सर्वे में भी उठा लिया गया है। 1980 के लगभग जो हुआ था उसमें उठा लिया गया है। सभी लोगों को पर्चा भी मिल चुका है। और कुछ समय सीओ के द्वारा जो जमीन मापी की गई उसके दौरान हम लोगों को पता चला कि ये जो हम लोगों की भूमि है इसको आवासीय विद्यालय बनाने के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए आवासीय विद्यालय बनाने के लिए दे दिया गया। अगर भूमि देना ही था विद्यालय बनाने के लिए तो दूसरा जगह देना चाहिए, जो सरकारी भूमि है उसमें बनाइए। हम लोग विद्यालय बनाने का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारा विरोध है जमीन का। आप हम लोगों की जमीन को बेदखल करके लगभग 150 घर मकान तोड़ करके, दुकान बाजार हटा करके, उनको ध्वस्त करके, ये कौन सी विकास का काम कर रहे हैं? ये तो विनाश का काम है जी। बिल्कुल, एक गार्जियन है और ये गंजी पहने हुए, जिसमें रघुवर दास एक साइड में है और दूसरे साइड में जो है नरेंद्र मोदी हैं, काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं। क्या लग रहा है, ये यहाँ पर आवासीय जो विद्यालय बन रहा है, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं, हम लोग को तो नहीं बनना चाहिए। गाजी की कहाँ जाएंगे हम लोग गुजार पजार के? इतने ज़मीनें हैं, 3 गो लड़का ना है, 2 गो लड़की है, कहाँ जाएगा सब? इतने जमीन ही है, कहूँ तो जमीन है नहीं कि हम नहीं रखब, यहाँ से गुजर के वहाँ जाके बस जाए। जो है आपका जमीन यही है और घर भी यही है? यही भरा, एक्स्ट्रा नहीं है? नहीं। अच्छा, आप लोग का मुआवजा भी तो मिलता होगा ना? मुआवजा देने की बात सरकार कर रही होगी? नहीं। जब आप लोग का यहाँ से भगाएंगे तो कहीं आप लोग का बसाएंगे कुछ ऐसा? नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, गार्जियन यहाँ जो विद्यालय बनत बहन, सरकार तरफ से कुछ तो मिलल होगी ना, मुआवजा वजा कुछ पैसा? उसे नहीं मिला है, अभी तो केवल है कि बस जमीन उठा करके सीओ दे दिया। और ये भी बोलता है कि घर भी गिराया जाएगा, सीओ बोलते हैं? सीओ बोलते हैं। हाँ। और सीआई भी आए थे, वो भी बोल रहे थे। और हम लोगों को ले दे के जमीन यही है, इसी में घर भी है, इसी में हम लोग खेती भी करते हैं, सारा परिवार को इसी में से रोजी रोटी चलता है। आपको हम बता दें कि ये वही सीओ हैं जो मिराल वासी जो हैं उन्हें जो है मिराल प्रखंड से भगाने का काम किया, क्योंकि ये अधिकारी हैं और अधिकारी जो है नेता अगर बन जाए तो कहीं ना कहीं लोगों का तकलीफ होता है। और यही वो सीओ हैं जहां ये सर्वे करके झारखंड सरकार को ये साबित कर चुके हैं कि इस जगह जो है विद्यालय बनना चाहिए। लोग जो हैं उजड़ कर कहां जाए, सड़क पर आ जाए, भीख मांगे, वो किस स्थिति में रहे, अधिकारी लोगों का इससे कोई मतलब नहीं है। इस बात को अगर हम मानते हैं कि ये सरकार की नज़र में जो है सरकारी ज़मीन है, लेकिन कम से कम यहाँ पर लगभग 100-200 जो घर है, कम से कम उन लोगों का कहीं बसा दिया जाता तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो अधिकारी लोगों का जो आज नाम होता। लेकिन यहाँ के अधिकारी जो हैं अपने अपनी रोटी सेकने में और कहीं ना कहीं नेता लोगों का दबाव में आकर ऐसा काम करते हैं। हालांकि कुछ महिला लोग भी हैं, थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। आप लोग कितना दिन से यहाँ पर रह रहे हैं? हमारा इधर कहते 40 साल ले बेची है। 40 साल से? आओ, इतने खेत के बाद 2 कट्ठा चाहे 5 कट्ठा होके लेके उठा ले, ये तो गरीब है, दिन मर नहीं जाए, कहाँ जाए अभी बताओ। इधर जमीन यहाँ जो है आप लोग का है? बस जीवन बस यही बा, अब कहाँ नहीं है, अब कहाँ ही हमन के है ये नहीं है, ये नहीं है, कहाँ जाता तो कहाँ नहीं है, अब कहाँ हमन जाए। हाँ। अच्छा, ये सब बात जो है, जैसे यहाँ का भी स्थानीय जो मंत्री हैं मिथिलेश कुमार ठाकुर, आप लोग कभी उससे मिले बात होती है कभी? नहीं, कहियो नहीं। आप लोग कभी सब मुद्दा उठाए हैं? हम लोग जय मंत्री जी, हम लोग कहाँ जाएंगे? मीडिया के माध्यम से उनसे अपील किए थे कि जो आपके क्षेत्र में घनघोर समस्या है, जो विनाशकारी जो कार्य किया जा रहा है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। लेकिन अभी तक माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार के द्वारा कोई भी सूचना नहीं दिया गया, किसी प्रकार का कोई पहल नहीं किया गया। सिर्फ हम लोगों को कह दिया गया कि ज़्यादा उछलिएगा, ज़्यादा इधर उधर कीजिएगा तो पूरा घर तोड़ दिया जाएगा, विनाश कर दिया जाएगा, अधिकारी लोग यही बोले। और मंत्री जी के द्वारा कोई बयान नहीं आ रहा है। हम लोग इस आस में है, ये बात अगर बोला ज़्यादा उछलिएगा तो सब बर्बाद कर देंगे अधिकारी लोग। अधिकारी सीओ और सीआई अधिकारी लोग बोलते हैं कि ज़्यादा अगर आप लोग कीजिएगा तो आप लोगों को भगा दिया जाएगा, जबकि हम लोगों के पास सारा कागजात है, सारे कागजात रहते हुए सारा हम लोगों का घर बना हुआ है, बहुत लगभग 72 वर्षों से कब्जा है, उसका प्रमाण भी है। अच्छा, यहाँ पर टोटल कितना लगभग घर होगा? लगभग जनसंख्या की बात करें, 200 से 150 घर होंगे। और जनसंख्या की बात की जाए तो 1000 से ऊपर हो जाएगा, 1000 से भी ऊपर हो जाएंगे इसमें प्रभावित होंगे। इन जितने भी जनसंख्या है, इन लोगों की जमीन
एक कट्ठा दो कट्ठा दो डिसमिल पांच डिसमिल ऐसा करके पड़ेगा, बहुत सारा आबादी है। आप लोग लिखित रूप से कभी भी मंत्री जी को नहीं दिए हैं? नहीं, हम लोग लिखित रूप से सीओ को दिए थे। एक बार मंत्री जी से भी मिलिए, शायद आपकी दर्द दुख जो है समझ ले। कुछ लोगों मंत्री जी के द्वारा, मंत्री जी से कुछ लोग मिले थे और रांची में थे मंत्री जी, तो उन समय मिले थे, उन्होंने कहा था कि घर नहीं टूटेगा। तो बताइए, घर नहीं टूटेगा जब हम जमीने नहीं, थोड़ा बहुत जमीने है उसमें से रहवे नहीं करेगा, तो घर रह नहीं रहा। अच्छा, बता रहे हैं जब घर नहीं टूटेगा ऐसा मैंने कहा। जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे अभी, ये बाजार की तस्वीर है और बाजार में जो खचाखच आदमी आपको दिख रहा होगा और चारों साइड से आपको दुकान घर आपको दिख रहा होगा। अब बताइए, घर नहीं टूटेगा तो बनेगा कहाँ? इसके अलावा आप जो अभी तस्वीर देख पा रहे होंगे, जगह जगह पर आपको घर दिख रहा होगा, अगर घर नहीं टूटेगा तो वो विद्यालय कहाँ बनेगा? कहीं ना कहीं ये जो है ग्रामीण लोगों को सिर्फ और सिर्फ अभी अंधकार में रखा जा रहा है। ये सिर्फ आपका जमीन अभी छीना जाएगा और जमीन जब छीन लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनका घर भी ध्वस्त कर लिया जाएगा।